Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Nivash Darshan from Karnataka, expand 10x in Taylor series up to 3 in power of x minus pi by 4. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मीन्स 10x का एक्सपेंशन करने के लिए सबसे पहले तो हम इस 10x को लेट कर लेते हैं fx के इक्वल और टेलर सीरीज से चूँकि एक्सपेंशन करना है तो इसके हमें डेरिवेटिव की भी ज़रूरत पड़ेगी और इन पॉइंट्स पर वैल्यू एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर पर वैल्यू भी चाहिए होगी हमको तो साथ में वैल्यू भी फाइंड करते हुए चलें तो जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर पाई बाई फोर रख दें तो टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन के इक्वल होती है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें यानी डिफ्रेंशिएट कर दें एफ एक्स को एक बार तो टेन का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स और हमको इस एफ डैस की वैल्यू पाई बाई फोर फिर भी ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के जब हम टेलर सीरीज़ का यूज़ करेंगे तो जहाँ पर भी हमें एक्स मिलेगा सेक स्क्वायर में वहाँ पर पाई बाई फोर रख देंगे। सेक पाई बाई फोर की वैल्यू रूट टू होती है और इसका होल एफ स्क्वायर करेंगे तो ये टू के इक्वल आ जाएगी और हमें इसके सेकंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगले पेज पर हम यहाँ पर इसको सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दें एफ डैश एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसकी वैल्यू अभी आई थी सेक स्क्वायर एक्स इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेक एक्स का होल अप स्क्वायर तो पावर आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर होगी उसमें से एक कम यानी वन पावर हो जाएगी तो लिखना नहीं है लेकिन ये एक्स नहीं था इसलिए इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे सेक एक्स का तो टू सेक एक्स इंटू सॉरी सेक एक्स का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो टेन एक्स का डिफरेंस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स और ये sec इंटू के sec स्क्वायर x आ जाएगा इंटू में tan x ये है तो f डबल डैश की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करना है f के सेकंड पाई बाई फोर पर फाइंड करना पाई बाई फोर पर फाइंड करने के लिए जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे पाई बाई फोर तो ये वैल्यू हो जाएगी tan पाई बाई फोर तो टू sec पाई बाई फोर की वैल्यू रूट टू होती है उसका स्क्वायर इंटू टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन होती है पाई बाई फोर इंटू पाई बाई फोर मीन्स 45 डिग्री तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया टू इंटू वन यानी टू इंटू टू फोर के इक्वल आ जाएगा। अब हम टेलर सीरीज का यूज़ करेंगे तो y टेलर सीरीज टेलर सीरीज़ होती है यानी किसी भी फंक्शन को हम एक्सपेंड कर सकते हैं किसी के पॉइंट के अबाउट यहाँ पर a के अबाउट अगर एक्सपेंड किया जा रहा है तो इसका एक्सपेंशन ये हो जाएगा एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैस ए प्लस एक्स माइनस ए होल ऑफ स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैस ए प्लस एंड सो ऑन प्लस एक्स माइनस ए होल ऑफ पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन ए प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हम अपनी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे जो भी हमने निकाल लिया एफ एक्स हमने लेट किया था टेन एक्स के इक्वल और एफ ए और इस वैल्यू को फाइंड करने से पहले हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन में ए की वैल्यू दे रखी है पाई बाई फोर पहले ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो फंक्शन एफ एक्स का एक्सपेंशन हो जाएगा एफ पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस पाई बाई फोर एफ डैस पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस पाई बाई फोर होल ऑफ स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैस पाई बाई फोर प्लस एंड सो ऑन प्लस एक्स माइनस पाई बाई फोर होल पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन एट पाई बाई फोर क्योंकि हमें शुरू के तीन टर्म्स ही फाइंड करना है एक्सपेंशन के तो इसलिए इसको हम छोड़ देंगे
तो एफ एक्स की वैल्यू 10x है और पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 के कुल फाइंड की थी, x माइनस पाई बाई 4 पीछे देख ली, f डैश x की वैल्यू जो है हम लोगों ने फाइंड की थी 2 के इक्वल, x माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और f ये वैल्यू जो सेकंड डेरिवेटिव थी 4 के इक्वल आई थी प्लस एंड सो ऑन। तो 1 प्लस 2 इंटू इसको लिख दें, 2 को हमने पहले लिख दिया, x माइनस का पाई बाई 4 प्लस 4 टाइम्स अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 1 इंटू 2 एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस साइंस 1। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और अब लास्ट स्टेप है, 10x का एक्सपेंशन हमारा मिल चुका है, तो 10x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस साइंस 1। Thank you very much indeed for listening me. Bakru Davana, Alhamdulillahi Rabbil Alameen.